हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल डीएस प्रिंसी में आप सभी को स्वागत है दोस्तों। और सुबह का बज रहा है दोस्तों 6 और हम लोग अभी उठ चुके हैं। और देखिए दोस्तों, प्रिंसी लोग पीछे बैठे हैं और ये है एक मेरा साला, बड़ा साला। हाय कर दो। हाय। हाँ, तो हम लोग जाने वाले हैं दोस्तों अभी तालाब तरफ, यानी कि नदी तरफ। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो दोस्तों आज का ब्लॉग में आप लोग बने रहिए, दिखाते हैं पूरे ब्लॉग। और प्रिंसी को हो रहा है दोस्तों बुखार, देख सकते हो। प्रिंसी का तबीयत थोड़ा ख़राब हो चुका है गांव आके, ससुराल आके। अभी देख, इसका चेहरा भी देख सकते हो दोस्तों। और हमारे ये है हमारे गोलू मोलू मामा। हाय मामा, अरे स्माइल कर रहे। तो चलिए दोस्तों ब्लॉग में बने रहिए। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं नदी तरफ। और दोस्तों जो हमारा स्कूटी है यहाँ पे खड़ी किए हैं, यहाँ से अंदर पैदल जाना पड़ेगा दोस्तों। देख सकते हो कैसा जगह है, पूरा दोनों तरफ पेड़ पौधे हैं। और ये है रहा है मेरे साला जी। साला जी आगे आगे चलते हुए मुस्कुराते हुए। कितना अच्छा नज़ारा है दोस्तों, सुबह का टाइम है ना, इसलिए नज़ारा बहुत अच्छा दिख रहा है, व्यू अच्छा आ रहा है दोस्तों। देख सकते हो पूरा हर तरफ पेड़ पौधे ही है दोस्तों, यहाँ पे जंगल टाइप का है। मैं भी दोस्तों अभी सुबह उठ के ही ये ब्लॉग चालू किया हूँ, इसलिए थोड़ा बोलने में कुछ ये हो तो माफ़ कर देना। ये देखिए दोस्तों, ये है दोस्तों नहर है, नदी तो नहीं है, नहर है दोस्तों। क्योंकि अभी पानी बहुत कम हो चुका है गर्मी के दिन, है ना, इसलिए। क्योंकि दोस्तों बारिश का दिन में ही ये पानी भर के आएगा यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो। गीत अच्छा। देखिए दोस्तों कैसे रास्ता से हम लोगों को उतरना पड़ेगा नीचे, पूरा ढलान टाइप का रास्ता है दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों अभी अभी सूरज निकल रहे हैं, सूरज और नज़ारा बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पे बहुत ही अच्छा हरा भरा नज़ारा है, देख सकते हो। और दोस्तों हम लोग यहाँ आके दोस्तों अपना नित्य क्रम ख़त्म करके जाएंगे, तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं अभी घर, अपना जो नित्य क्रम था वो ख़त्म करके जा रहे हैं, देख सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग तोड़ेंगे एक दातुन, क्योंकि दोस्तों गांव देहात में ब्रश का यूज बहुत कम होता है, ये तो आप लोगों को पता है। तो हम लोग दातुन का यूज़ करेंगे। देखिए मेरा साला दातुन तोड़ते हुए, लीम का दातुन तोड़ेंगे दोस्तों। बहुत स्वादिष्ट, बहुत अच्छा भी रहता है सेहत के लिए, तो वही दातुन का यूज़ करेंगे हम लोग, देख सकते हो। और दोस्तों बहुत ही सुंदर नज़ारा है दोस्तों, यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि देख सकते हो पेड़ पौधे हरा हरा हर तरफ। और यहाँ पे पूल टाइप का बना था, अभी यहाँ पे पानी कम है दोस्तों, जब पानी रहता तो बहुत मज़ा आता है यहाँ पे, इसके ऊपर से पानी चढ़ के जाता ना, देखने में बहुत अच्छा लगता। ये रहा दोस्तों दातुन, हम लोग इसको अभी ब्रश की तरह यूज़ करेंगे। तो आप लोग बने रहिए दोस्तों ब्लॉग में। देखिए दोस्तों हम लोग कर रहे हैं दातुन, ऐसा नीम का जो दातुन होता है दोस्तों, बहुत कड़वा होता है, इसका ऊपर का जो छिलका रहता है वो निकालना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि बहुत कड़वा लगता है। नहीं तो आप लोग भी किए होंगे, और किस किस भाई ने नीम का दातुन किए हो कमेंट करके ज़रूर बता देना। देखिए दोस्तों रोड कैसा, यहाँ पे हम लोग बाइक खड़ी किए थे, स्कूटी, और मेरा साला क्या कर रहे हैं देखते हैं। अरे के क्या कर रहे हो, बाइक को दातुन करवा रहा हूँ। बाइक को दातुन करा रहे हो, लगा दो बीच में। अच्छा ये उसका मुंह है। हाँ चलो ठीक है, यहाँ पे ऐसे लगाओ। हाँ। ये भी दातुन घसेगा ना। हाँ। देखिए दोस्तों कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो बाइक भी दातुन कर रहा है हमारा बाइक, हमारी स्कूटी जो है वो भी दातुन कर रहा है, देख सकते हो। हम लोग कर रहे हैं तो उसके लिए भी दातुन लेके आए हैं मेरा साला।
तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं घर, और देखिए मेरा छोटा साला ब्रश करते हुए टॉवल पहनते हुए, देखो मिरर पकड़ के ब्रश कर रहा है। दिखाओ इधर, दिखाओ बाल कटिंग तो देखो दोस्तों उनका। ये देखिए बाल कटिंग, और शर्मा रहे हैं मुंह को ढकते हुए। कैसा बाल कटिंग है, हाय कर दो सबको गाइस, हेलो गाइस बोलो। ये दोस्तों हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट कुछ ये देखिए ब्रेड, ब्रेड के साथ दोस्तों देसी ब्लैक टी। दोस्तों बहुत मज़ा आता है खाने में और सेहत के लिए भी अच्छा रहता है। तो हमारे दोनों साला के साथ मैं, अरे बाप रे कैसा है मज़ा, टेस्ट है सॉलिड है, सॉलिड होने से तो खा नहीं पाओगे। अब मेरी बारी, मैं एक खा के देखता हूँ। ब्रेड तो ऐसे भी अच्छा है दोस्तों, सुबह ब्रेकफास्ट में खाना चाहिए डेली। और ये रहा मेरा थोड़ा सा चाय, यानी कि ब्लैक टी दोस्तों इसको कहा जाएगा। इसको नीम, इसमें दोस्तों जो गोल मिर्ची होता है, काला नमक, काला मिर्ची वो, और इसमें नींबू का पत्ता लगा है, खाने में बहुत स्वादिष्ट। और इधर चल रहा है दोस्तों पुराना मूवी, एक बादशाह मूवी देख सकते हो, छोटा सा टीवी है पहले ज़माने का, और बादशाह मूवी चालू है। और यहाँ पे गर्मी से बचने के लिए एक फैन। तो दोस्तों जल्दी से हम लोग कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। हेलो दोस्तों, हम लोग अभी जा रहे हैं सुषमा के बड़े मम्मी के घर, देख सकते हो प्रिंसी भी रेडी हो चुकी है, मैं भी और सुषमा भी रेडी हो चुकी है। और ये है हमारी बड़ी दीदी सुषमा की, प्रिंसी की बड़ी मम्मी। तो दोस्तों बने रहिए ब्लॉग में, हम लोग आगे जाके दिखाएंगे आप लोगों को। तो दोस्तों हम लोग रेडी वेडी होके जा रहे हैं बड़े ससुर के घर, और देखिए प्रिंसी, मैं और प्रिंसी की मम्मी, और एक मेरे बड़े साला, तीनों चारों कोई जा रहे हैं दोस्तों। दोस्तों आज का ब्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है। और दोस्तों रास्ते में आके सुषमा भूल चुकी है जो प्रिंसी का पानी का बॉटल छोटा सा। प्रिंसी का तबीयत थोड़ा बिगड़ गया है दोस्तों, देख सकते हो उसका चेहरा। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं एक स्वीट्स के दुकान में, कुछ स्वीट्स लेके जाना पड़ेगा यहाँ से। देखिए दोस्तों उसके बड़े मम्मी के लोगों के लिए स्वीट्स लेके जाना है। देखिए कैसे कैसे देख रही है। चलो तो केंडा धर बुधर क्या केंडा सुषमा, कुछ नाश्ता वगैरह कर लेते हैं यहाँ पे, देख सकते हो सब टिफिन विफिन है यहाँ पे। प्रिंसी भी खा रही है नाश्ता। अब जा रहे हैं फैंसी स्टोर के अंदर, देखिए लेडीज लोगों का काम ही ऐसा होता है दोस्तों, किधर किधर जाओ कहीं। फ्रूट्स दुकान में आ गए हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ से फ्रूट्स लेके जाएंगे अरे मामा लोगों के घर। देखिए सर, देखिए मामा, प्रिंसी मामा बटे, हाय प्रिंसी। दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं घर, देखिए ये घर है दोस्तों उनका, ये आंगन में रह के मैं बना रहा हूँ। ब्लॉग कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बता देना, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और दोस्तों यहाँ आके हम लोग थोड़ा रेस्ट कर रहे थे,
बहुत ज़्यादा थक गए थे दोस्तों, और यहाँ आके थोड़ा खाना वाना खा के रेस्ट किए, और अभी मैं सो के उठा हूँ फिर से दोस्तों। और यहीं पे आज का ब्लॉग एंड करता हूँ दोस्तों, और आज का वीडियो ज़्यादा लंबा हो चुका है। और दोस्तों आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बता देना यार, और यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। प्रिंसी लोग अंदर हैं, और ये रहा दोस्तों बड़े ससुर का घर, देखिए कैसे बना है, मैं आप लोगों को थोड़ा पूरा व्यू दिखा देता हूँ। देख लीजिए दोस्तों कैसा है घर, बहुत अच्छा से बना हुआ है दोस्तों यहाँ, और पूरा सब चीज़ यहाँ बना है बाहर से लेके अंदर तक, दिखा देता हूँ व्यू आप लोगों को। ऊपर भी एक और एक फ्लोर है दोस्तों, वो अभी पूरा बना नहीं है, और प्रिंसी लोग यहीं पे अंदर में रेस्ट कर रहे हैं। ये एक बेडरूम है देख सकते हो, देखिए कैसा बना है दोस्तों, ये बाहर है दोस्तों यहाँ पे, और प्रिंसी यहीं पे रेस्ट कर रही है। प्रिंसी और उसकी मम्मी दोनों रेस्ट कर रहे हैं। प्रिंसी का तबीयत अभी थोड़ा ठीक हुआ है जब से थोड़ा दवाई खाई है। तो दोस्तों यहीं पे ब्लॉग को एंड करते हैं, तब तक लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय कर दो प्रिंसी, बाय बाय कर दो, वेरी गुड, बाय बाय। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।